نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير. اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا واملا متقبلا. امين اللهم امين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. अल्लाह सुबहाना व ताली की तोफ़ी और अल्लाह सुबहान व ताल की रहमत के साथ आज हम अपने लेसन सूरत बकरा की आयत नंबर दो को मुख्तिर तफसीर और तजकिया के साथ देखेंगे इस नीयत के साथ कि अल्लाह सुबहाना ताल इसे हमारे लिए पढ़ना इस पर अमल करना और अमल के साथ ही इसे दूसरों तक पहुंचाना आसान कर दें और अल्लाह सुखाना वात हमसे राज़ी हो जाए अपने लेसन का आगाज़ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने सूरत अलबकरा की आयत नंबर एक पर बात की कि जिसमें हमने क्या सीखा था जो अमल की बात थी कि इस सफ़र में कुरान के साथ जुड़ के जब तक अहम से अन्नास का हम सफ़र तय नहीं करते तो हमने क्या करना है बहस से बचना है किसी भी ज़ात पर किसी भी इंसान पर किसी भी शख्सियत पर हमने उंगली नहीं उठानी क्यों क्योंकि हम इसे किस लिए पढ़ रहे हैं इस सफ़र का आगाज़ हमने किस नियत से किया है कि अल्लाह जी हमारे लिए हदायत के रास्ते आसान कर दें और हमें एक उम्मत बना दें इन आज के सबक में देखते हैं कि हमारे लिए कौन से एहकाम हैं क्योंकि आज की आयत में अल्लाह सुबहाना वात हदायत के रास्ते हमें बता रहे हैं कि हदायत क्या है और किन लोगों के लिए है जैसे जैसे हम सूरत सूरतबकर को आगे पढ़ते जाएंगे ऐसे लगेगा जैसे अल्लाह सुखा व तै हमारी तरबियत कर रहे हों दुनिया में रहने के हमें असूल बता रहे हों तो इन शैर हम वक्त को ज़ाय हुए अपने लहसन का आगाज़ करते हैं और शुरू करती हैं अल्लाह सुस सुखाना व ताली क्या फरमा रहे हैं बिसम लामान रहीम सबसे पहले अरबी और तर्जमे को देखें वैली कल की ताबूल बफ़ी कि इस किताब के अल्लाह की किताब होने में कोई शक नहीं परहेजगारों को राह दिखाने वाली है अल्लाह अकबर गौर करें कि ज़ालिका ये अल्किताब किताब ला नहीं रईबा कोई शक फ़ी इसमें हदल हदायत है लिल लिलमुतिन मुतकी लोगों के लिए यहाँ पर देखते हैं कि मुराद यहाँ क़ुरान है जिसे नबी सल्लाम ने लोगों पर पढ़ा और आज मेरे और आपके सामने मौजूद है यानी यह किताब अज़ीम दर हकीकत किताब कहलाने की मुस्तक है जो बड़े इल्म और हक जैसे काम पर मुश्तमिल है आगे अल्लाह सुबह क्या फरमा रहे हैं लाई बफी जिसमें कोई शक नहीं कोई शक नहीं इसे क्या मुराद है इससे मुराद है कि ये अल्लाह की तरफ से वही है इसका कलाम है जिसे इसने अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लाम की तरफ वही किया अब सवाल आता है, है कि कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ इसकी दलील क्या है तो देखें इसकी दलील भी अल्लाह सुखाना तला ने कुरान में बताई है सूर्य आयत नंबर दो में आता है कि इस किताब का नाजिल करना जिसमें कोई शक नहीं जहानों के रब की तरफ से है फिर कुरान मजीद अपनी जात में हक है काफिरों के लिए इसमें शक पैदा होता है तो अल्लाह तला ने शक में मुबतला लोगों को भी चैलेंज किया है कि इस जैसा कलाम बना लाओ सूरत अलबकर ट्वेंटी थ्री में आता है अगर तुम्हें शक है जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया तो जाओ जब इस जैसा कोई कलाम बना लाओ फिर देखें कि इस अजीम किताब के बारे में शकुको शबहात की नफी अल्लाह इज़्ज़त ने की जो इसके यकीन को लाजिम करती है तो याद रखें हदायत सिर्फ यकीन से हासिल होती है ये यकीन इंसान की जिंदगी पर गहरा असर डालता है इस यकीन की वजह से मोमिन कुरान के इल्म को कबूल करता है और हदायत को समझने के लिए तैयार होता है मोमिन कुरान के दिए तरीका जिंदगी को टॉप पर रखता है अवलिन रखता है उम्मत मुस्लिम की तरक्की और गलबे की जो बुनियाद है वो इस किताब पर अमल में है हदीस का खुलासा है कि बेशक अल्लाह रब्बुल इस किताब की वजह से लोगों को बुलंद करेगा और इसकी वजह से लोगों को पीछे करेगा क़रआन की जबर और जेर में भी हिकमतें हैं वैसे तो ये किताब तमाम इंसानों के लिए हदायत और रहनुमाई के लिए नाजिल हुई है लेकिन इससे सैराब कौन होते हैं इससे फायदा कौन उठाते हैं वही जो आब हयात के मतलाशी हों वही जो अल्लाह के कुर्ब के मतलाशी हों वही जो खौफे अलहि से सरशार हों जिसके दिल में मरने के बाद अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर जवाबदही का एहसास और इसकी फिक्र ही नहीं इसके अंदर हदायत की तलब या गुमराहि से बचने का जज्बा ही नहीं होगा इसे हदायत कहाँ से मिलेगी जिसमें ये तड़पी नहीं है वो क्यों वो क्यों हदायत के रस्तों पर आएगा जिसमें ये तड़प ही नहीं है तो क्या करना है अपने अंदर तड़प पैदा करनी है फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं हदलमत्तीन ये हदलिलमतीन बहुत प्यारा जुमला है बहुत प्यारा अल्लाह सुब ख़ाना वा तुम हमें यहाँ पर हदायत की तरफ क्या किया है हमें दावत दी है गौर करें एक एक लफ्ज पर हदन हदायत है लिल मुत्तकीन किन के लिए मत्तकी लोगों के लिए तो आए देखते हैं ये कौन होते हैं कि मुत्तकियों के लिए हदायत है मुराद क्या है कि नफा मन इल्म और अमल सालेह की तौफीक है ये सूरत अल अनफाल में आयत नंबर ट्वेंटी नाइन में अल्लाह सुबहाना व तआला फरमाते हैं ए लोगो जो ईमान लाए हो तो सबसे पहले याद रखिए आज से जब जब हमने कुरान को पढ़ना है जहाँ पर भी आए कोई आयत पढ़ते हो हम कहेंगे ना ए लोगों वहाँ पर आपने अपना नाम अपना नाम लेना है आपका जो भी नाम है वो नाम लेके फिर आगे पढ़ें कि जो ईमान लाए हो अगर अल्लाह से डरोगे तो वो तुम्हारे लिए हक बातिल में फ़र्क करेगा कुत बना देगा और बुराइयाँ तुमसे दूर कर देगा और बख्श देगा वो बड़े फजल वाला है सैदना इबन अब्बास रद्ला फरमाते हैं क़ुरान मोमिनों के लिए हदायत है जो शिरक से बचते हैं और आतात पर अमल करते हैं अब देखते हैं मत्तकी कौन होते हैं मत्तकी होते हैं वो लोग जिनके दिलों से अल्लाह शहवाद की मोहब्बत छीन लेता है जिनके अंदर अल्लाह का कुर्ब अल्लाह का डर होता है और कुरान की हदायत से क्या मुराद है कुरआन की हदायत से मुराद है कुरआन उस राह की रहनुमाई करता है जो दोनों जहान में शादत और कमाल तक पहुंच जाए हदायत के चार तरीके हैं सूरत आयत नंबर पचास आयत नंबर फिफ्टी में अल्लाह अला सुबह फरमाते हैं कि हमारा परवरदिगार वो है जिसने हर चीज को शक्लो सूरत बख्शी और फिर राह दिखाई यानी हर चीज फितरत पर पैदा है कभी गौर करें आप आयत नंबर ताहा की फिफ्टी पर कभी आप गौर करें तो आपको पता चलेगा क्या अल्फाज हैं उसके कि हमारा परवरदिगार वो है जिसने हर चीज़ को शक्लो सूरत बख्शी और फिर हमें राह दिखाई यानी हर चीज फितरत पर पैदा है हर चीज़ अपनी हद में है अल्लाह ने उसे बता दिया कि क्या करना है लेकिन हम अपनी हद क्रॉस कर देते हैं अपनी लिमिट्स भूल जाते हैं फिर हदायत का दूसरा तरीका कि नबियों के जरिए अल्लाह ने हमारी रहनुमाई फरमाई असज़दा आयत नंबर ट्वेंटी फोर में आता है और इनमें से हमने पेशवा बनाए थे जो हमारे हुक्म से हदायत करते थे फिर आगे नंबर थ्री पे देखें कि बंदा कोशिश करता है जिस काम की तो अल्लाह सुबहान उस काम को उस बंदे के लिए आसान कर देते हैं सूरत अल अनकबूत में आता है कि जिन लोगों ने हमारे लिए कोशिश की हम इनको ज़रूर अपना रास्ता दिखाएंगे कौन सा रास्ता कामयाबी का रास्ता हदायत का रास्ता तो महसूस करें कि यह खुश मेरे और आप के लिए भी है इस पॉइंट नंबर हदायत के चार तरीक़ों में से अगर ये जो तीसरे वाला नगौर करें ना तो इसमें खुशहबरी है मेरे और आपके लिए खुशखबरी है कौन सी खुशखबरी है कि आज लेसन मुश्किल लग रहा है आज कुरान को पढ़ना थोड़ा मुश्किल लग रहा है सुनना थोड़ा मुश्किल लग रहा है नोट्स बनाने थोड़े मुश्किल लग रहे हैं तो परेशान नहीं हों आगे जाके अल्लाह का वादा है कि जो भी बंदा अल्लाह की राह के लिए कोशिश करता है हम उसको ज़रूर अपना रास्ता दिखाते हैं हम ज़रूर उसे हिदायत अता करते हैं नंबर चार है तोफीक, इल्म हासिल हो गया फिर तोफ़ी भी मांगने से मिलेगी अल्लाह ताला हमें ज़ाया नहीं करेंगे लेकिन करना क्या है शर्त क्या है तोफ़ी मांगनी है हमने सूरह अल अलराफ आयत नंबर फोटी थ्री में अल्ला सुबह वाली फरमाते हैं बंदा कहता है कि अल्लाह ताला जी आपका शुक्र है क्या किस बात पे शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है इसने हमें यहाँ का रास्ता दिखाया किसका सिरातुल मुस्तकीम का और वो रास्ता ना दिखाता तो हम रास्ता ना पाते तो गौर करें हदलमतीन पे मुत्तकी और तकवा वाले लोग कैसे होते हैं अल्लाह के अजाब से डर कर हदायत को मजबूती से पकड़ने वाले होते हैं हराम से बचने वाले होते हैं और अपने फराइज को अदा करने वाले होते हैं तो हीद पर कारबंद होते हैं और शिरक से बेजार होने वाले होते हैं अल्लाह के फरमा बरदार होते हैं अल्लाह की सुनते हैं और फौरन मान लेते हैं कौन है तकवा वाले सही मुस्लिम में आता है हदीस नंबर सिक्स नाइन जीरो फोर में उसका हदीस का खुलासा है अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करते हैं कि नबी वसल्लम दुआ करते थे कौन सी दुआ कि बेशक मैं तुझसे हदायत तकवा पाक दामनी और गना का सवाल करता हूँ तो याद रखें याद रखें याद रखें अल्लाह सुबहाना वात ने मुझे और आपको भटकने के लिए पैदा नहीं फरमाया अल्लाह सुबहाना वाली ने हमें यूं ही दर दर ठोकरें खाने के लिए पैदा नहीं किया कि सिर्फ़ हमने घर कपड़े धो लिए घर की सफाइँ कर लीं हम दुनिया के कामों में मगन हो गए बल्कि नहीं अल्लाह सुबहाना ने हमें मकसद हयात अता किया है अल्लाह का नाम हादी भी है उसके नाम पर गौर करें हदायत उसके हाथ में है अल्लाह ताला ने हदायत वाजह कर दी है अब करना क्या है अब दुआ मांगनी है कि अल्लाह सुबहाना वाली हमें तोफ़ीक अता फरमा दें अल्लाह सुबहाना ताल हमें अपने रास्तों पर चलने वाला बना दें और गौर करें कि इस आयत के एक एक लफ्ज़ पे किल फ्लाम में मैं क्या सीखा कि चुप खामोश रहना है बहस से बचना है हदायत का सफ़र कौन सा सफ़र है हदायत का सफ़र मुतकीन वालों के लिए है कि जो कि अल्लाह व वाली की किसी हुक्म में शकों में नहीं पड़ जाते बहसों में नहीं पड़ जाते बल्कि सर को झुका के अल्लाह की अतात में लग जाते हैं तो अल्लाह सुबहाना ताल से दुआ सुखा हमें अतात गुजार बनाए आगे जा देखेंगे कि हदायत वाले और मुतकीन वालों की और सिफात कौन कौन सी हैं वो कैसे होते हैं इन शह वो अगली आयत में देखेंगे तब तक के लिए आप इस पर गौर वफ़र करें इस पर तजकिया करें कि क्या मैं हदायत वाली हूँ क्या मैं मुतकी हूँ क्या मैं भी अल्लाह का कलाम सुन के डर जाती हूँ क्या मेरे अंदर भी खौफे खुदा पैदा हो जाता है या मैं अल्लाह की आयात को सुन के अकड़ती हूँ एक कान से सुनती हूँ दूसरे से निकाल देती हूँ ये तमाम तरसवाल आपने खुद से करने हैं थोड़ा सा जायज़ा ले लेती हैं सवालत के साथ फिर से देखें कि अलिफ़ लाम मीम क्या मैंने आज तक इस पर कभी बहस की क्या मैंने कहा कि अलिफ़ लाम मीम क्या है क्या मैं लोगों से उलझती तो नहीं इस पर तो याद रखें नहीं उलझना अल्लाह ताला ने मना कर दिया इधर ही हमें आगे देखें रालिकल कल किताब उला रही बाफ़ी कि ये किताब नहीं है कोई शक इसमें यह क्या है हदायत है वास्ते परहेज़गारों के लिए मतकी लोगों के लिए तो आज का सवाल कि मुझे तो हदायत हासिल करनी है मैंने तो इस सफ़र का आगाज़ हदायत के लिए शुरू किया है तो आज से मैं इन मत्तकी मतकी बनने की कोशिश करूँगी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो तमाम सिफात हमारे अंदर पैदा कर दें और हमें अपने नेक और साल लोगों की सफ़ में शामिल फ़रमाएँ आमीन लम आमीन और कब्बल मन्ना कांतम अली वतुब अलैना इन्ना कांत तवरम असलकूम वरम वर्का